तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही मारुति सुजुकी यानी देश की प्रमुख कार निर्माता कंपनी ने 2022 बुलेरो नेक्स्ट जनरेशन का उत्पाद भारत के लिए तैयार किया था, यानी इस प्रीमियम हैचबैक कार की प्री बुकिंग को भारत में दर्शाया था। अलग अलग डीलरशिप पर इस जबरदस्त कार की प्री बुकिंग ली जा रही है और कार्यकर्ता इस जबरदस्त कार को हम सभी के लिए 10 फरवरी 2022 को फाइनली भारत में लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, जिन दोस्तों को नहीं पता है कि उन सभी को बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो हम सभी के लिए 10 फरवरी को नए अवतार के साथ, नए लुक, नए इंजन, नए फीचर्स के साथ आने वाली है। डिजाइन में मिलने वाले है बदलावों के अलावा बिल्कुल नए इंटीरियर और फीचर्स। तो चलिए जानते हैं। भारत में वैसे तो हर कंपनी अपनी माइक्रो एसयूवी कार को लॉन्च करने की तैयारियां कर रही है तथा कुछ कंपनियां जल्द से जल्द इन फरवरी के एंड तक लॉन्च करने वाली है। उसी में से मारुति सुजुकी भी अपनी एक साथ धड़ल्ले से 3-4 कारें लॉन्च कर सकती है, जिसमें काम सबसे ज्यादा YTV तथा आने वाली नेक्स्ट जनरेशन बुलेरो, साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो आप सभी को दिखाई दे सकती है। हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो को लॉन्च करके भारत में तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस जबरदस्त कार को पूर्ण रूप से पुराने मॉडल से एकदम नया डिजाइन दिया गया है तथा इंटीरियर में भी आप सभी को एक प्रीमियम फील करवाया है। तो नई मारुति सुजुकी बलिनो का चेहरा काफी बदलावा आप सभी को नजर आने वाला है। तो चलिए इस कार के एक्सटीरियर की तरफ गौर किया जाए तो वीडियो टीजर तथा कुछ इमेजेस के द्वारा हमें पता चला है इस कार को एक नया लुक पूर्ण रूप से भारत में मिलने वाला है, जिसमें इसका अगला हिस्सा घुमावदार की जगह चपटा आप सभी को दिखाई देगा। इसमें नए ग्रिल को घेरे हुए अपडेट डिजाइन के साथ इसमें आप सभी को नए हेडलैम्प्स, नई LED DRL ऑप्शन के साथ प्रोजेक्टेड अपडेट हेडलैम्प्स दिखाई देने वाली है। कार का बोनट भी दूसरे डिजाइन के साथ आप सभी को नजर आएगा। ग्रिल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल लाइनअप वाली अपडेट ग्रिल का इस कार में इस्तेमाल किया गया है, जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ इस कार को बेहतरीन एक मस्कुलस लुक देने वाली है। चपटे फ्रंट के चलते इस कार को मार्केट में एक स्लिक LED अपडेट्स के साथ दिखाई दिया है और साथ ही साथ बीच में सुजुकी का लोगो भी इस कार को काफी खूबसूरत बना रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन बलेनो को फ्रंट से भी नहीं बल्कि पीछे की साइड से भी चेंज किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले हिस्से में भी बड़े बदलाव देखने की उम्मीदें जताई जा रही है, जिसमें नए बम्पर से लेकर बदलाव हुए टेल गेट्स, बोनट्स तथा बड़े हुए टेल लाइट को शामिल कर दिया गया है। नई कार के साथ ही नए डिजाइन के अलॉय व्हील भी इस कार की शोभा को बढ़ाते हैं। यानी बलेनो के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में 17 इंच के डायमंड का डुअल टोन कलर ऑप्शंस के साथ एलॉय व्हील दिखाई देने वाले हैं। साइड प्रोफाइल में इस कार में आपको न्यू हैंडल बार, क्रोम फिनिशिंग के साथ एक अपडेट प्रीमियम फील आपको बाहर से देखने में देने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मारुति सुजुकी की सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा बिकने वाली कार यानी बलेनो के नेक्स्ट जनरेशन विकल्प का भी सबरी से ग्राहक इंतजार करते आ रहे हैं। फाइनली इस कार को भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस जबरदस्त कार को नए अवतार के साथ लाने के साथ ही साथ ग्राहकों के दिल में और भी उत्सुकता इस कार के लिए बढ़ चुकी है, यानी अपूर्ण रूप से इस कार के नए वेरिएंट का इंतजार नहीं हो रहा है। कंपनी ने अपने ऐलान के साथ कह दिया है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन बलेनो को 9 फरवरी को जबरदस्त तरीके से नए अपडेट और नए डिजाइन के साथ आप सभी को रूबरू करवाने वाले। इंटीरियर की तरफ भी इसमें जबरदस्त ध्यान दिया गया है, साथ ही साथ इंजन में भी आप सभी को बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस कार के इंजन की ही अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट जनरेशन बलेनो में आप सभी को कोई छोटा मोटा या फिर पुराने मॉडल वाला इंजन नहीं दिखाई देगा। जी हाँ, नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में आप सभी को नेक्स्ट जनरेशन ही इंजन ऑप्शन दिखाई देने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन बलेनो ने अपने अपडेट वेरिएंट के साथ वाकई में ही भारत में तहलका मचा दिया है। इस कार के अंदर आप सभी को 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर यूको टेक्नोलॉजी से लेस टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिखाई देने वाला है, जो कि भारत की किसी भी सड़के या फिर ऑफ रोडिंग या फिर ग्रामीण क्षेत्रों पे आप सभी को 92 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करता है। इस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के चलते इस कार को 120 Nm का जबरदस्त पिकअप टॉर्क मिलता है, जिसके दौरान आपकी कार हवा से बातें करने वाली है। इस कार के ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो कंपनी ने इस कार में आप सभी को मैन्युअली नहीं बल्कि 5 स्पीड EMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से रूबरू करवाया है। माइलेज की बात करी जाए तो नेक्स्ट जनरेशन बलेनो आप सभी को पुराने मॉडल से भी ज्यादा माइलेज देने वाली है। ऑब्वियसली सी बात है कि नए इंजन के साथ हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से चलते इस कार को फ्यूल एफिशिएंट डिजाइन किया गया है। वैसे भी हर कार अब फ्यूल एफिशिएंट के साथ भारत में दिखाई देने वाली है। ये तो हो गई इस कार के यानी बलेनो नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के इंजन की बात। अब बात कर ले इस कार के फीचर्स तथा अंदर के इंटीरियर की, जो कि आप सभी को इस कार को लेने में जल्दी से मजबूर करने वाले हैं। जी हाँ,
भरे बदलाव के अलावा नई बलिनो नेक्स्ट जनरेशन में आप सभी को कैबिन भी बड़े बदलावों के साथ दिखाई देने वाला है। यहाँ मौजूदा स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी स्टूडियो सिस्टम को रिप्लेस करते हुए कार के अंदर नया 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आप सभी को सभी वेरिएंट में दिखाई देने वाला है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम UVI कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम द्वारा शामिल किया गया है। अनुमान है कि विश्व बाजार में बिकने वाली नई सुजुकी एस-क्रॉस से इस जबरदस्त इंफोटेनमेंट सिस्टम को इस कार में ऐड किया गया है। नए फीचर्स के अलावा नई कार के साथ मारुति सुजुकी एम्बिएंट लाइटिंग भी आप सभी को दे रही है, जो कि महंगी महंगी कारों में फंक्शंस दिखाई देते हैं, जिसके जरिए कनेक्टिविटी कार फीचर्स यानी इंटरनेट से चलने वाले सभी फीचर्स आप सभी को इस कार में मिल। साथ ही कार दोनों साइड आप सभी को ऑटोमेटिक AC वेंट्स 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन, जो कि अंदर की वायु को पूर्ण रूप से स्वच्छ करते हुए आप सभी को प्रदान करता है। डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड को पहले से चौड़ा डिजाइन किया गया है, जिसपे लेदर का इस्तेमाल करते हुए इस कार को एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश कंपनी ने। इस कार में 5 स्पीड बोसी के साउंड स्पीकर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि MediaTek द्वारा संचालित किए गए हैं, जो कि राइड को और भी ज्यादा मनोरंजन बनाने वाले हैं। साथ ही साथ इस कार में आप सभी को फास्ट चार्जिंग की सुविधा तथा हैंड अप बार ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सीटों की प्रणाली की बात करें तो सीटों को वाकई में ही पुराने मॉडल की तुलना में और भी ज्यादा कम्फर्ट किया गया है। वैसे तो पुराने नेक्स्ट जनरेशन बलिनो के अंदर आप सभी को स्पेस देखने को मिलता था, मगर अब इस वेरिएंट के अंदर और भी ज्यादा बूट स्पेस को बढ़ाया गया है, यानी सीटों को अपोल्ड सीट्स द्वारा संचालित किया गया है। इस सीट की एक खासियत है कि दोस्तों आप अपनी सीटों को फोल्ड भी कर सकते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ सीटों को ना यूज होने पर बाहर भी निकाल के अपने घर में रख सकते हैं और बाद में दोबारा से लगा सकते हैं, है ना जबरदस्त बात। जी हाँ, यही खास फीचर इस जबरदस्त अपोल्ड सीट्स में आप देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ सीटों पे काफी अच्छा फिल लेदर का इस्तेमाल किया है, जो कि कटने फटने से पूर्ण रूप से आपकी जबरदस्त सीटें बिल्कुल सेफ होने वाली है। साथ ही साथ कंफर्ट के मामले में जबरदस्त नेक्स्ट जनरेशन बलिनो को मैं अपनी तरफ से 10 में से पूरे 8 के अंक देता हूं, क्योंकि अपोल्ड सीट्स का मजा ही कुछ अलग है। जब आप इस कार को खरीदेंगे तो बैठने के बाद आप मेरी वीडियो को जरूर से एक बार याद करेंगे कि आखिरकार मैंने आप सभी को सही सजेशन दिया कि वाकई में ही कंफर्ट आप सभी को बेहतरीन महंगी कारों वाला इस कार में मिलता है। अब मेरे प्यारे भाइयों, अगर गौर फरमाया जाए कार की सेफ्टी फीचर्स की, तो जी हाँ, सेफ्टी फीचर्स के मामले में हमारी चहेती मारुति सुजुकी कंपनी किसी भी ग्राहक के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज अपडेट करती है। जी हाँ, यानी इस कार में आप सभी को बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं, और आई पुरानी कारों में भी आप सभी को बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं। सबसे खास बात तो ये कि नेक्स्ट जनरेशन बलिनो को हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया जा रहा है। हाईटेक प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बनी कारें स्टेनलेस स्टील से डिजाइन की गई सांचे से अपडेट की जाती है, और लाइट वेट होने के साथ ही साथ ये काफी मजबूत भी होती है। कैसा भी रास्ता हो, उबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग भी आप इस जबरदस्त कार से आसानी से कर सकते हैं। तो आज के जमाने में हमारी ऐसी है कि ऑफरोडिंग के दीवाने भी इन जबरदस्त कारों को पहाड़ों में ले जाके पूर्ण रूप से ऑफरोडिंग आसानी से कर सकते हैं। 4 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा, EBD के साथ EBS रियर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री फ्रंट तथा बैक कैमरे की सुविधा मिलती है, IFS ऑफिक शेयर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल, हील होल्ड असिस्ट सिस्टम, बैक कैमरा सेंसर जैसे अपडेटेड ढेरों सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आप सभी को इस कार को लेने के बाद ही एक्सपीरियंस करने का मजा ही आप सभी के लिए अलग होने वाला है। यानी ये कार आज भी आप सभी को 4.30 लाख रुपीस एक्स शोरूम प्राइस के साथ 3 वेरिएंट में दिखाई देने वाली है। तीनों वेरिएंट में आप सभी को 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, तो निराश होने वाली बात नहीं है। तो फीचर्स के अपडेट्स के साथ आप अपनी जेब पे नासा डालते हुए कोई भी वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे।